हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफी सारे मैच भी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IPL के 2018 के दो फाइनलिस्ट टीम, जो कि CSK और SRS के बीच IPL का मैच नंबर 46 खेला जाएगा। दोनों ही टीम इस साल अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अभी 5 अप्रैल को इन दोनों के बीच मैच हुआ था, जिसमें से हैदराबाद ने जीत दर्ज की। अब चेन्नई के पास होगा मौका बदल लेने का। यह मैच आपको 28 अप्रैल को चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 20 मैच खेले गए, जिसमें से चेन्नई 14 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर हैदराबाद 5 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे चेपाक के पिच हमेशा पेस बॉलर्स को सूट करती है, पेसर को यहाँ पे एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, पेसर बॉलर के डेथ ओवर में प्रॉब्लम हो सकती है, रिकॉर्ड्स भी पेस बॉलर्स को एज देता है। पिच कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 33% रहेगा और टेम्परेचर 37°C रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 42% जीतने का चांस है। अब अगर बात कर देंगे वे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का वे स्कोर 163 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग का वे स्कोर 151 है। तो आगे बात करते हैं पहली टीम यानी हैदराबाद का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट में अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। टीम इस सीजन में 3 बार 200+ स्कोर बना चुकी है। टीम के बैटर्स आग बोलर रहे, मैच में नए नए रिकॉर्ड भी बना रहे। टीम ने अब तक टोटल 8 मैच खेले, जिसमें से 5 मैच जीत के आ रही और टॉप 3 में बने हुए। लास्ट गेम में टीम को RCB से हार मिली थी। पैट कमिंस जो टीम के बेहतरीन कप्तानी कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा टीम के लिए ओपन कर रहे हैं। पावर प्ले में दोनों मिलकर तेज शुरुआत दिला रहे हैं। टीम के सभी बैटर्स फॉर्म में दिख रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में जहाँ पे एडम मकराम और हेनरी क्लासन इस स्टाइल अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं, लो ऑर्डर में जहाँ पे शहबाज अहमद एंड अब्दुल समद हार्ड हिटिंग एबिलिटी रखते हैं। वहीं अगर बॉलिंग व बात करेंगे, टीम बहुत महंगी थी, टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है। भुवनेश्वर कुमार जो कि अब तक अनइफेक्टिव दिखे, वहीं पर पैट कमिंस जो अब तक 10 विकेट ले चुके हैं, जहाँ पे नटराजन अब तक 14 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं स्पिन बैटमैन जहाँ पे मयंक मारकंडे खेल रहे हैं, जयदेव की बात किया जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था और 3 विकेट भी निकाल लिए थे। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, एडम अक्राम है, हेनरी क्लासन है, अब्दुल समद है, शहबाज अहमद है, नितीश रेड्डी है, टी नटराजन, जयदेव है, पैट कमिंग्स है, मैक मार्कंड है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि अनमोल प्रीत सिंह है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्लेन फ्लिप्स है, भुवनेश्वर कुमार है। अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ट्रेविस हेड है, हेनरी क्लासन है और टी नटराजन है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी चेन्नई सुपर किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे चेन्नई ने टूर्नामेंट का जबरदस्त आगाज किया, फिर टीम जीत की पटरी से उतर गई। पिछले कुछ मैचों में टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, टीम कंसिस्टेंटली होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, टीम की स्ट्रेटजी फेल हो जा रही है। टीम अब तक 8 मैच खेले, जिसमें से 4 मैच जीत के आ रही है और 4 मैच हार के आ रही है। लास्ट 2 गेम जो कि लखनऊ से पीट गई थी। ओपनिंग में बात करें, रहाने के साथ कप्तान गायकवाड़ स्टार्ट करे, धीरे धीरे लास्ट गेम में शतक लगाया था। वहीं पर डैरी मिचेल जो कि अब तक इंपैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर शिवम दुबे जो कि हर एक मैच में काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं के लिए प्लस पॉइंट है। वहीं लॉर्डर में बात करें, फिनिशिंग के रोल में धोनी जडेजा दोनों खेल रहे हैं। बॉलिंग में बात करें, टीम लास्ट गेम में टारगेट सेव नहीं कर पाए थे, टीम ने 7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ मैदान में उतरी थी, जहाँ पर मुस्तफिजुर्रहमान टीम को 12 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। वहीं लास्ट गेम में जहाँ पे दीपक चहर को चांस मिला था, तुषार देशपांडे भी लगातार अच्छे स्पेल डाल रहे हैं, वहीं पे मतीसा पथिराना जो लगातार विकेट चटका रहे हैं। स्पिन डिपार्ट में जहाँ पे रविंद्र जडेजा और मोइन अली खेल रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनके रहने डैरी मिचेल है, मोइन अली है, शिवम दुबे है, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, तुषार देशपांडे, दीपक चहर है, मतीसा पथिराना, मुस्तफिजुर्रहमान है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें जो कि सैक्स रसीद है, समर रिजवी है, मिचेल सैंटन है, रविंद्र जडेजा है और शार्दुल ठाकुर। अगर की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ऋतुराज गायकवाड़ है, शिवम दुबे है, मुस्तफिजुर्रहमान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे विनर चेन्नई सुपर किंग्स होगा,
क्योंकि चेन्नई लगातार दो मैच हार के आ रही है, तो ये मैच जितना कंपलसरी है चेन्नई के लिए और जीतेंगे भी। यहाँ पे हैदराबाद को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।